क्वेश्चन नंबर 26 एक त्रिभुज है एबीसी जो किसी वर्ग के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है ये दे रखा है वर्ग और इस वर्ग के अंतर्गत बिंदु एक आपने क्या दे रखा है समबाहु त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर है इसका नाम है ए बी और ये हो गया सी एक और त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है सवाल के अंदर तुम्हें लिखो दिया हुआ क्या दिया हुआ है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भी मर्जी है जो दो भुजाएं क्या करनी है आपको बराबर है और ये दोनों भुजाएं रख लेनी बराबर क्या हो गया है ए बी बराबर क्या हो गया आपके ए सी ये और ये हो गई आपके बराबर और आगे क्या कहा है कि बी सी चाप पर ये रहा चाप ये वाला तो चाप है ये वाला इस चाप पर एक बिंदु है इसका नाम है पी बिंदु कहीं ले लो मर्जी है जो यहां बिंदु है नाम क्या है पी बिंदु दे रखा है तो पी है बी सी चाप पर एक बिंदु है दे रखा है अब और क्या दे रखा है आपके बी या सी के संपर्क नहीं है बिल्कुल यहां नहीं है थोड़ा दूर संपर्क सीधा होता है इसी ये लाइन में नहीं है सिद्ध करो कि पी ए पी ए मतलब ये वाली लाइन ये वाली लाइन क्या कर रही है कौन डीपीसी का समझी बात ये रहा कौन ये बन रहा है कौन ये कौन जो है इसका इसके ऊपर हम बांट रही है दो भागों मतलब ये दोनों कौन क्या है बराबर हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या है बराबर ये सिद्ध करना है तो ये मान लो कि कौन नंबर एक है ये कौन नंबर दो हमें सिद्ध करना है कि पी ए क्या है कौन बी पी सी का समझे बात ये करना है हमें सिद्ध करना है देखो ध्यान देना यहां दे रखा है आपके केंद्र इसको ऐसे मिला लो और इसको ऐसे मिला लो और बीच में केंद्र का नाम क्या हो गया आपके ओ नाम हो गया देखो उपपत्ति नियम है परमेय है 12.3 या 4 परमाणु 3 ही होगा परमाणु 2 12.2 का नियम क्या है अगर दिशाएं बराबर तो केंद्र पर कौन लिखे होते हैं बराबर पहले 12.1 होगा सबसे पहला स्टार्टिंग परमेय या सिंपल लिख दो परमेय नंबर याद नहीं है तो क्या लिखना है दिशाएं बराबर तो केंद्र पर कौन भी क्या होते हैं बराबर बताया था 12.1 परमेय में ये जीवा और ये जीवा बराबर है तो केंद्र पर दोनों कौन क्या होते हैं हमेशा बराबर तो ये और ये जीवा बराबर है तो केंद्र पर ये दोनों कौन क्या होंगे बराबर पास में आगे रहते उसमें क्या होगा ये और ये कौन क्या होते बराबर देखो क्या नाम है ए बी बराबर क्या है ए सी ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ कि ये दोनों बराबर है संधिवाद त्रिभुज इसलिए तो अगर दो दिशाएं बराबर है तो उनके केंद्र पर जो कोण है वो भी क्या होंगे आपके बराबर क्या नाम है कोण इसका नाम क्या होगा ए ओ बी और ए ओ सी दोनों क्या होंगे ए ओ बी बराबर होगा कोण ए ओ सी के अब ये क्या होता है आपके दिशाएं बराबर तो केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होता है क्या लिखोगे दिशाएं बराबर ये पहला प्रमेय है 12.1 पहला प्रमेय यही है दिशाएं बराबर है तो केंद्र पर कोण क्या होते हैं बराबर दिशाएं बराबर तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है बराबर ये तो प्रमेय है पहला प्रमेय है 12.1 पहला प्रमेय यही दे रखा है उसी प्रमेय का यूज करना है ये दोनों क्या हो गया आपके बराबर अब प्रमेय कौन सा लेंगे हम 12.8 के जीवा पर बनने वाला कोण चाप पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या होता है हमेशा ये शेष भाग पर बनने वाले कोण का आधा होता है देखो ये चाप लिया मैंने इधर से लो कल ये चाप ले लो ये भी चाप से इस चाप से ये चाप दे रखा है ये वाला चाप इस चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण बताओ नाम क्या है ए ओ बी इस चाप से केंद्र में कौन सा कोण बन रहा है कोण ए ओ बी बराबर होगा कितना इसी चाप से शेष भाग पर बनने वाला इसी पॉइंट से यहां बनने वाले कोण क्या होता है दोगुना इसी से केंद्र पर बनने वाला कोण और इन्हीं पॉइंट से देखो इसी से बन रहा है केंद्र पर
और इसी से बन रहा है परिधिपथ। बनने वाले कोण क्या होता है? आधा होता है। एक यानी इसका डबल कर दें, दो क्या नाम है ए पी बी, क्या होगा कोण ए पी बी, क्या होता है परिमेय नंबर 12.8। क्या लिख सकते हो? ए की चाप से केंद्र पर अधिक कोण, उसी चाप से परिधि पर शेष भाग पर बनने वाले कोण का दुगना होता है, परिमेय नंबर 12.8। अब चाप लेंगे ये वाला, ऐसी चाप से इसी चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण और इसी चाप से परिधि पर बनने वाला कोण, ऐसा देखो ये वर्ग दीर्घ का ना, इसी पॉइंट से ये जो चाप दीर्घ का ना, यहीं से कहा कोण बन रहा है, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये वाला कोण, और इसी चाप से यहां बनने वाला कोण, इसे थोड़ा लाइन में इधर ले लो, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए, यहां जो कोण बन रहा है उसका क्या होता है वैसा, इसका डबल ये होता है, तो एओसी का डबल होगा ये वाला। तो देखो एओसी का मान क्या होता है, इसका डबल, इसका कोण नंबर दो का मतलब ये वाला ए पी सी का क्या होगा आपके डबल, कोण होगा दो होगा ए पी सी का डबल, परिमेय नंबर कौन सा 12.8। अब परिमेय याद नहीं है, लिख सकते हो ए की चाप से केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। अब देखो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, क्या लिखोगे ये समीकरण नंबर, इसको मान लो आप एक चलते क्या लिखोगे समीकरण नंबर एक से, ये दोनों बराबर तो ये दोनों में क्या होंगे, दो बार कोण ए पी बी बराबर होगा दो बार कोण ए पी सी, दो से दो कट गया, इसका मतलब क्या हुआ ए पी बी बराबर है ए पी, ये और ये कोण क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ ये वाली रेखा क्या कर रही है, इस कोण का संधि बना कर रही है। अतः लिख सकते हैं क्या नाम है पी ए क्या कर रहा है कोण बी पी सी का संधि बाधन कर रही है। देखो सवाल 27 यहां दे रखा है, हमें करना है सिद्ध, कैसे सिद्ध करना है ए सी एक्स का मान, जब ये रहा ए सी एक्स का ए सी मान है, ए सी मतलब के इस कोण का मान, इसके बराबर बताओ सी एक्स द्वारा केंद्र को अंतरित कोण, देखो ये रहा सी एक्स द्वारा केंद्र को अंतरित कोण मतलब इसका, दूसरा दे रखा है डी वाई डी इससे केंद्र को अंतरित कोण, इन दोनों कोण का आधा करने पर ही आता है, हमें कैसे करना है कि सी एक्स पर सी एक्स से इस चाप से केंद्र पर अंतरित कोण और इस चाप से केंद्र पर अंतरित कोण, इन दोनों का आधा करते हैं तब ये कोण बनता है, तो ये हमें सिद्ध करना है। देखो इनका आधा और रहता है, इनका आधा रहता है एक तो आपके यहां पर रहेगा, देखो इसी चाप से क्या करना है आपको, इसका जो कोण देगा केंद्र से इसी से आपके यहां पर बनने वाले कोण क्या होता है उसका आधा होता है, ये वाला हो गया और ये वाला मिला था इस लाइन मिलो, देखो क्या हुआ, देखो इसी चाप से इस पर बनने वाला कोण इसी चाप से यहां बनने वाले कोण क्या होता है आपके आधा होता है, और इसी चाप से यहां पर बनने वाला कोण इसी चाप से यहां पर बनने वाले कोण क्या होता है आधा होता है, और इतना जोड़ कितना होता है ये रहा त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग त्रिभुज के बाहर बने 20 कोण के बराबर होता है, ऐसे कर सकते हैं। हमें पहले क्या करना है, पहले सी और डी को मिलाना है, तो पहले करनी है आपको रचना, क्या रचना करनी है कि बी व सी को आपको मिलाना है। अगला पॉइंट देखो उपद्विन, मुझे ये वाला कोण कैसे ज्ञात करते बताओ, ये और ये जोड़ पाता है इसका नाम कोण नंबर एक, इसका नाम कोण नंबर दो, ये पूरा कोण नंबर दो यहां से लगा गया था, तो कोण नंबर एक और कोण नंबर दो दोनों को जोड़ने पर कितना आता है ये वाला कोण सी ई ए आता है, तो वैसे त्रिभुज ये रहा त्रिभुज, ये वाला कोण और ये वाला कोण त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का मान त्रिभुज के बाहर बने तीसरे कोण के बराबर होता है, ये वाला त्रिभुज दिया है इसका नाम है त्रिभुज सी बी ई से इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का मान इस कोण का ये जो कोण दे रखा है इसके योग के बराबर होता है, क्या होता है 22 कोण,
ये क्या लिखना है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? ए ई सी क्यों होता है? बहिष्कोण। नियम है कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का मान तीसरे कोण के बाहर बनने वाले बहिष्कोण के बराबर होता है, जो हो गया बहिष्कोण। अब देखो हमें एक और दो की जगह इनके नाम लाने, कैसे लेके आएंगे उसके लिए देखो। सबसे पहले याद करेंगे कोण एक का मान, देखो इसी चाप से ये देखो इसका नाम पर इधर से नाम लो सी एक्स ए से, ये जो चाप दे रखा है इस चाप से केंद्र को बनने वाला कोण, इसी चाप से शेष भाग पर बनने वाले कोण का घनफल क्या होता है? डबल। तो बताओ कोण एओसी का मान क्या होगा? एओसी का मान क्या होगा आपके इस कोण नंबर दो का डबल। देखो इसी चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण, इसी चाप से या शेष परिधि को बनने वाला कोण, यानी कोण नंबर दो का क्या होगा? डबल। कोण दो का नंबर क्या हो जाएगा आपके? डबल हो जाएगा। अब क्या होता है बताओ, परिमेय नंबर 12.8 और परिमेय नंबर याद नहीं क्या लिखोगे? एक ही चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण शेष भाग पर बनने वाले कोण का क्या होता है? हमेशा दुगुना। इस दो का डबल करते तो ये बनेगा, यानी ये वाला नियम हो गया, ये वाला ऐसा ये वाला कोण का डबल करते तो ये बन जाता है, ये नियम हो गया। अब ये गुणा किसमें हो जाएगा? भाग में। तो क्या आएगा? एक बटा दो कोण एओसी बराबर क्या आएगा? कोण दो। अब इसी प्रकार ऐसे इधर भी करना है, ये वाला इसी चाप से केंद्र में बनने वाला कोण, इसी चाप से परिधि पर शेष भाग पर बनने वाले कोण क्या होता है? हमेशा दुगुना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपकी? एक का नाम बताओ बीओडी, बताओ कोण बीओडी बराबर क्या होगा? इसका मान शेष भाग पर बनने वाले कोण का क्या होता है? डबल। इस एक का ही डबल होगा, क्या होता है? परिमेय नंबर 12.8 ये गुणा तो एक बटा दो बराबर क्या हो जाएगा? बीओडी बराबर हो जाएगा कोण नंबर एक। अब कोण नंबर एक और दो का मान याद रखेंगे, तो बताओ क्या रहेंगे? कोण नंबर एक व कोण नंबर दो का जो मान है वो क्या रखेंगे हम? यहाँ पर समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो एक का मान कितना है? एक बटा दो कोण बीओडी प्लस कोण नंबर दो का मान कितना है? एक बटा दो कोण एओसी बराबर क्या हो जाएगा आपके? कोण एईसी। इसकी जगह लिखा मैंने ये मान, इसकी जगह लिखा मैंने ये, एक की जगह ये आ गया और दो की जगह ये मान आ गया, दोनों आधा आधा दोनों में आधा दोनों में आधा क्या आ गया आपके? कॉमन। पीछे क्या बचा? एक तो बचेगा बीओडी और एक बचेगा एओसी, एक तो बचेगा एओसी और एक बचेगा आपके बीओडी बराबर कोण एईसी। कोई आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस के हैं, कहीं भी लिख सकते हो। तो देखो कोण एईसी का एईसी लिख दो, फिर बराबर का बराबर, ये असल कोण असल ये की बात है। अब आधे का आधा बताओ कोण एओसी कहां पर है? एओसी कहां पर है बताओ? सी एक्स ए के ए द्वारा, सी एक्स ए द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, ये वाला जो कोण है एओसी क्या है? एओसी है आपके सी एक्स ए जो चाप दे रखा है द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण है। प्लस अब बताओ बीओडी कहां पर है? ये वाला कोण कहां पर है? ये वाला कोण है बीओडी से केंद्र पर अंतरित कोण है, तो ये वाला जो कोण है ना बी, ये वाला बीओडी, ये वाला कोण कहां पर है? ये वाला डी वाई बी, क्या लिखोगे? डी वाई बी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक चक्र चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी जो वर्ग के अंदर होता है चतुर्भुज, तो ये रहा आपके वर्ग, इस वर्ग के अंदर एक चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। एबीसीडी लो कोई भी नाम लो, क्या नाम देंगे हम? ए बी सी डी, यही नाम दिया हुआ एबीसीडी दे रखा है, ये रहा ए बी सी और डी। इतने कहा है कि इसके सम्मुख कोणों के समद्विभाजक, इस चतुर्भुज के
बिंदु P पर और Q पर मिल रहे हैं, इसके कोई भी आम सामने जो कोण है उनके क्या हो रहा है, समद्विबाहित हो रहे हैं। देखो यहाँ इसका समद्विबाहित ले लो, इधर कहीं से ले लो, देखो इस ये लो इधर इसका समद्विबाहित आ गया यहाँ पर, तो समद्विबाहित मतलब होता है बिंदु आमने सामने, मतलब ये और ये कोण क्या हो रहा है दो भागों में बढ़ रहा है बराबर बराबर। इसका जो पॉइंट है वो कहां जाकर मिल रहा है आपके, एक तरफ तो मिल रहा है पी पर और एक तरफ मिल रहा है क्यू पर, इसका आधा हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है आपके आधा हो रहा है, और ये कहां मिल रहा है आपके क्यू पर मिल रहा है, और ये हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, ये है आपके वर्त का व्यास, ये क्या है आपके, ये जो लाइन है वो केंद्र से गुजर रही, ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर इसके बीच में कहीं केंद्र आया हुआ है, ये सिद्ध करना है कि PQ क्या है व्यास है। देखो व्यास कैसे वर्क करते हैं, ध्यान देना, इधर कोई वर्त है और वर्त के अंदर कोई ये वर्त का व्यास है, तो माना कि ये वर्त का व्यास है, इसका नियम होता है कि इसके अंदर बनने वाला ये कोण कितना डिग्री होना चाहिए। अगर हम सिद्ध करते हैं जैसे मान लो मैंने इसको इधर मिलाया, ये इसको मिलाते हैं, ध्यान दो P और Q को ऐसे मिलाते हैं हम यहाँ पर, तो हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अगर हमें सिद्ध कर ले कि ये वाला कोण 90 डिग्री है तो उसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगी, वर्त का व्यास हो जाएगा। ये हमें उसके लिए क्या कहना आपको, देखो इसको ऐसे मिला लो, फिर इसको भी ऐसे मिला लो यहाँ पर, इससे मिलाना है इस रेखा से, इधर मिला सकते हो, इसको ऐसे मिला लिया और इसको ऐसे मिला लिया, दोनों को ऐसे मिला देना। अब देखो ऊपर भी हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, PQ क्या है वर्त का व्यास, और ये तभी सिद्ध हो पाएगा जब ये वाला जो कोण है कितना होगा आपके 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है, ये कोण कितना डिग्री है आपके 90 डिग्री। अब देखो ऊपर भी सबसे पहला ध्यान देना, ये जो रेखा है क्या कर रही है, कोण को दो भागों में बांट रही है, तो ये वाला कोण और ये कोण नंबर एक और कोण नंबर दो क्या है आपके बराबर, कोण नंबर एक बराबर है कोण नंबर दो, इधर देखो ये भी समद्विबाहित है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण नंबर तीन और कोण नंबर चार क्या है आपके बराबर, कोण नंबर तीन और कोण चार बराबर है, क्योंकि ये सवाल के अंदर क्या है दिया हुआ है कि लिखा हुआ है सम्मुख कोणों का क्या हो रहा है, या लिख सकते हो यहाँ हो रहा है आपके सम्मुख कोणों का समद्विबाहित, सम्मुख कोण क्या हो रहा है समद्विबाहित हो रहा है, ये क्या हो रहा है कोण दो, दोनों को दो दो भागों में बांट रहे हैं, हमें क्या करना है इस कोण को और इस कोण को ले, इन दोनों कोणों को लेना है, इधर देर लगा ली, सबसे पहले ये ला जैसे भी ये आकर दिया आपने, ये कौन सा चतुर्भुज है, अब बताया ना ये चतुर्भुज कौन सा है, चक्री है, तो मतलब क्या हुआ इसके आमने सामने के कोणों का जो योग है वो कितना होता है 180, पहले ये आकृति लेंगे एबीसीडी से, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये दे रखा है चक्रीय चतुर्भुज, इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180, तो कोण कौन सा, ये डी है और उधर बी है, तो कोण बी प्लस कोण डी का मान कितना होता है 180, हम करेंगे इसका आधा, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बटा दो कोण बी और एक बटा कोण दो डी और एक 180 बटा दो कोण बी का आधा, हमें तो ये वाला कोण याद करना है, क्या करेंगे इस कोण का आधा करते तो कोण कौन सा बनेगा आपके दो, यहाँ क्या आएगा कोण, ये बी का आधा करेंगे क्या लेना है कोण नंबर चार, क्या लेना है आपको कोण नंबर डी का आधा करेंगे क्या आएगा कोण नंबर दो, बराबर कितना आ गया आपके 90 डिग्री, यानी कि इसका मान और इसका मान ये दोनों क्या हो गया आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। अब देखो ये चाप है, इसका नाम क्या है क्यूसी चाप, जो चाप दे रखा है इस चाप से यहां पर बनने वाला कोण, इसी चाप से यहां पर बनने वाला कोण, दोनों कोण क्या होते हैं आपके बराबर, ये वाला चार और ये वाला पांच, क्या लिखोगे कोण चार बराबर है कोण पांच, ये और ये हमेशा क्या होते हैं बराबर, बताओ बराबर क्यों होते हैं, देखो ध्यान दो ये वर्त है और ये चाप का नाम क्या दे रखा है Q और C, इसी चाप से यहां कोण बन रहा है और इसी चाप से इधर कोण बन रहा है, एक ही चाप से बनने वाले सभी कोण क्या होते हैं बराबर, इसी चाप से यहां कोण बन रहा है, इसी चाप से यहां कोण बन रहा है ये वाला और इधर ये वाला,
दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर। क्या लिखोगे? एक ही चाप पर बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो चार पांच बराबर है, क्या करो चार का नाम हटाओ और क्या लिख दो? चार पांच बराबर है तो क्या लिखो? चार से क्या लिखो आप? पांच लिखो। तो कोण नंबर पांच प्लस कोण नंबर दो बराबर हो जाएगा आपके कितना? 90 डिग्री। कोण नंबर पांच और कोण नंबर दो दोनों को जोड़ दे क्या बनता है? पी डी क्यू बनता है। क्या बनता है? पी डी क्यू। कितना हो गया? 90 डिग्री। और अभी मैं बताया अगर ये कोण 90 डिग्री है इसका मतलब ये क्या है? वृत्त का व्यास है। तो देखो जो ये कोण 90 डिग्री है इसका मतलब ये जो कोण बना हुआ है ये 90 डिग्री कोण क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अर्धवृत्त के अंदर। क्या होता है? हमेशा अर्धवृत्त के अंदर बनता है। अतः PQ क्या है? PQ वृत्त का व्यास है, क्योंकि ये वाला कोण 90 हो गया है और ये कोण 90 है जिसका मतलब ये वाली क्या है रेखा व्यास हो जाएगी, PQ हो जाएगा व्यास। तो क्वेश्चन नंबर 29, एक वर्ग की त्रिज्या कितनी दे रखी है? अंडर रूट 2 सेंटीमीटर और जीवा कितनी दे रखी है आपके? 2 सेंटीमीटर। तो एक तो है जीवा और एक त्रिज्या, पहले बताया जीवा और त्रिज्या को ऐसे बना दो, ये है आपके वर्ग और ये है वर्ग की त्रिज्या और ये है वर्ग की जीवा। ये क्या है? वर्ग की जीवा। ये कितना है बताओ? अंडर रूट का 2 और ये कितना है? 2। हमें ऐसे से करना है, देखो यह वर्ग को 2 गुना बांट दिए, ये तो हो गया लघु वर्तन और ये हो गया आपके दीर्घ वर्तन, दो भाग हो गए। पहला भाग तो ये वाला चाप, दूसरा हो गया आपके ये वाला। हमें करना है सिद्ध इस जीवा द्वारा, ये जो जीवा है इस जीवा से दीर्घ वर्तखंड में, दीर्घ वर्तखंड मतलब ये वाला, यहां पर कहीं कोण बन रहा है, यहां पर जो कोण है हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है कितना है? 45। हमें सिद्ध करना है कि यहां जो कोण बन रहा है कितना है? 45। तो ये है आपके ओ, ये है सी, ये दीर्घ है माना कि ए और इसको ऐसे मिला, बताओ ये सिद्ध करना है ये कितना है? अगर ये 45 तो मतलब यहाँ कितना होना चाहिए? 90। ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ पर 90 डिग्री हुआ वो कितना हो जाएगा? अब यहाँ 90 डिग्री कैसा आएगा? नियम है समकोण त्रिभुज, हमें सिद्ध करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। सिद्ध करेंगे नियम है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वो परिमेय परिमेय लगाएंगे वो देंगे परिमेय का उल्टा, उसका कन्वर्ज होती है उसको उल्टा बता ना, उल्टा हाँ वो विलोपन क्या कहते हैं विलोम, हाँ तो ओदयन परिमेय का विलोम क्या है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। तो ये क्या हो गया? आधार और यह हो जाएगा लंब। नियम है कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा आपके? 90 डिग्री। अब ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये अंडर रूट 2 तो ये भी कितना? अंडर रूट 2। तो पहले हमें सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है, उसके लिए उस समकोण त्रिभुज के लिए देखो हमें करना है सिद्ध कि कोण BAC का मान कितना आना चाहिए? 45 डिग्री। ये सिद्ध करना है, उसके लिए पहले हमें ये सिद्ध करना है यहाँ कितना है? 90 डिग्री। तो देखो सिंपल ये उपपत्ति नियम है कि देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? BOC से इस त्रिभुज के अंदर नियम लेंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मतलब ये वाला नियम लगाना है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अगर ऐसा हुआ तो होगा। तो पहले हम याद करेंगे ये कर्ण का वर्ग याद करेंगे पहले, तो बताओ कर्ण का वर्ग कितना देगा? 2। तो बताओ 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब जो उत्तर इसका आया वही उत्तर इन दोनों के जोड़ का भी आना चाहिए। अब आना चाहिए आपके बताओ दूसरा क्या देगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका उत्तर भी 4 आना चाहिए। बताओ यहाँ कितना देर का है? अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना देर का है? अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। इसका मान भी 4, इसका मान भी 4। तो क्या हो गया? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे बोधायन, क्या लिखोगे? बोधायन परिमेय का विलोम।
उसका उल्टा नियम है कि यदि यदि त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज त्रिभुज BOC एक क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और उसमें बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और लिखा लिखोगे बड़ी भुजा या कह दो उसे कर्ण, कर्ण के सामने वाला कोण, कर्ण के सामने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब बीओसी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये कौन सा है, देखो इसी चाप से केंद्र में बनने वाला कोण, इसी चाप से शेष भाग पर अंतरित कोण का हमेशा क्या होता है, दुगुना। तो कोण बीओसी दुगुना होगा इसका, क्या नाम है, बीएसी का क्या होता है, दुगुना। परमेय नंबर 12.8 परमेय भुजों का लिखना है, इसी चाप से क्या, एक ही चाप से केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अब ये कितना देर का है, 90। और BAC क्या करना है, ज्ञात करना है, गुणा से तो BAC का मान कितना हो जाएगा, 90 बटा 2।